हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है, बड़ी छोटे से वीडियो है लेकिन बड़े काम की है। तो जो भी बिगिनर्स हैं इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आज के इस वीडियो में खास क्या बताने वाला हूं, आज के इस वीडियो में खास क्या होने वाला है उसी के बारे में बात करेंगे। यहां पर देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी चेंजेस कंपनी के अंतर्गत करने हैं, कंपनी में कोई भी चेंजेस करने हैं, तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। उनमें से कुछ तरीकों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए ये क्रिएट लिखा हुआ है, तो क्रिएट में जाकर के हम सारी चीजें बनाते हैं, तो यहां पे सीधा जाकर के एंटर कर देंगे, ऊपर आपको चेंज कंपनी मिलेगा। यानी कंपनी को चेंज करना है तो यहां से आप चेंज कर सकते हैं। तो यहां से सीधा हम कहां आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। यहां पर शो मोर आप ऑप्शन मिल जाता है, शो इनएक्टिव ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन फिर भी यहां पर कंपनी में चेंज करने का कोई ऑप्शन आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो आपको करना क्या है, कीबोर्ड से फंक्शन बटन F3 प्रेस करना है। जैसे ही F3 प्रेस करते हैं तो देखिए ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, इंडियन शॉप नाम से कंपनी बनी हुई है पहले से। अब इसमें चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो यहां पर अल्टर कंपनी पे हम जा सकते हैं। ये आ गए अल्टर कंपनी पर, कंपनी का नाम चेंज करना है, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, फोन नंबर चेंज करना है, पिन कोड चेंज करना है, करेंसी चेंज करनी है, जो भी चेंज करना है, कंट्री चेंज करनी है, व्हाटएवर जो भी चेंज करना है। यहां से मैं आपको एक चेंज करके भी दिखा देता हूं। यहां से F3 हम पहले प्रेस करेंगे, ठीक है, F3 F2 नहीं बल्कि F3 करना है। जैसे ही F3 करते हैं अल्टर कंपनी आता है पहले के जैसे, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कि कंपनी का नाम चेंज करना है या जो भी, जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये देखिए कंट्री बांग्लादेश हो गया गलती से, यहां पर इंडिया कर देते हैं, ये हो गया इंडिया, ठीक है। अब देखिए ये इंडिया हो गया, इंश्योर कह रहा है कि करेंसी भी चेंज हो जाएगी, तो करेंसी तो खैर हम लोग की इंडियन ही है, ये गलती से इंडिया और ये ढाका हो गया था, तो अभी यहां पर बिहार आसाम जो भी है स्टेट चूज करना वो चूज कर लीजिए और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो बस यही आपका है, इस तरीके से आप चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि अगर आपको फाइनेंशियल ईयर या काम करने की डेट में कुछ बदलाव कर रहा हो तो भी आपको अल्टर पे ही आना पड़ेगा। तो जब भी चेंजेस कर रहे हो तो अल्टर पे आके आप आसानी के साथ चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। यहां से जाकर के डेट चेंज कर सकते हैं, इस कंपनी में पहले से एंट्रीज हुई पड़ी है जिसकी वजह से डेट चेंज करना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहां से आप डेट चेंज चाहे तो कर सकते हैं, अगर आपने एंट्री पास नहीं की हो पहले से तो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, ठीक है। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, तो जो भी चेंजेस परफॉर्म करने में आसानी के साथ कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।